आइदर है। आइदर होता ना, ये दो में से एक बताता है कि दो में से एक है, लेकिन अगर वन ऑफ लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारा में से बताएगा। अगर वन ऑफ लिखे तो दो से ज्यादा, दो से प्लस में बचा। लिखा हुआ इच, अगर लिख दिए वन ऑफ तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो ये उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, और बाकी जो वर्ब होगा ये सब होगा वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्रोन कुछ भी होगा, ये सब का सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। नहीं सॉरी, प्रोनाउन नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि हम डिनोट करते हैं वन ऑफ द बॉयज, मतलब सभी लड़कों का, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो याद रखिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है और उसके आगे सिंगुलर लगता है। चलिए अभी हम रूल नंबर नेक्स्ट लेकर के आए हैं, और ये जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सेट में मिला करता है, तो इसमें हम सीखेंगे कि ये रूल क्या है। हम 20 रूल लेकर के आए हैं, और वो रूल लेकर के आए हैं जो थोड़ा ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है वो सभी का, ठीक है। तो अगर आपको ग्रामर बहुत जल्दी तरीके से सीखना है और कम समय में सीखना है तो आप क्लोज स्पेसेस का वीडियो देख लीजिए। हाँ, आप तभी देखिए जब आपको लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है, ये लगता है कि कारगर है, तभी आप क्लोज स्पेसेस देखिए। आप एक दो देखिए, उसके बाद लगेगा कि हाँ देखना है तो ठीक, और नहीं तो फिर स्किप कीजिए, और फिर कहीं भी वीडियो होगा जहाँ आपको ज्यादा पसंद है, क्योंकि समय आपका कीमती है, ठीक है, तो आप वहां देख सकते हैं। बढ़ते आगे, इच एवरी वन के बाद ऑफ हो तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन जितना भी हो सब प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अभी तक समझ में नहीं आएगा, हम खाली पढ़ दिए। कहने का मतलब एग्जाम्पल से हम पूरा क्लियर करेंगे कि ये होने वाला क्या है। मतलब अगर इच हो, अगर एवरी हो, अगर वन हो, इसके बाद तो तुरंत हम सिंगुलर लेते, लेकिन अगर इसके बाद वन के बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो गया तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा, जो एडजेक्टिव होगा, वो सब का सब सिंगुलर फॉर्म में होगा। समझते हैं, जैसे अगर लिखा ले इच, लिखा हुआ इच, अगर लिख दिए वन ऑफ तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो ये उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, और बाकी जो वर्ब होगा ये सब होगा वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्रोन कुछ भी होगा, ये सब का सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। नहीं सॉरी, प्रोनाउन नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि हम डिनोट करते हैं वन ऑफ द बॉयज, मतलब सभी लड़कों का, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो याद रखिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है और उसके आगे सिंगुलर लगता है। वन ऑफ के बाद क्या लगता है, प्लूरल सिंगुलर, वन ऑफ के बाद प्लूरल सिंगुलर, वन ऑफ के बाद प्लूरल सिंगुलर। जो पहले प्लूरल बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, नाउन, और जो बाद में बोल रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, वो सब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद वर्ब और उसके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर यहां तक भी अगर ना समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना भी याद रखिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो वो क्या होगा, सिंगुलर। समझते हैं, अगर हिंदी भी करके देखेंगे ना तब भी बताते हैं कैसे। वन ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, वन ऑफ द बॉयज, हम क्या बोल रहे हैं, वन एक ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से एक, ऐसा बोल रहे हैं ना कि लड़कों ऑफ द में से एक, लड़कों में से एक खेल रहा है। अच्छा, लड़कों में से एक वो खेल रहा है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर मतलब अब यहां बॉयज कैसे लगा दिया, अब जब सिंगुलर है तो हम बोल रहे हैं बहुत सारा लड़कों में से एक उठ करके खेल रहा है, कर ले अकल्ले, जब अकल्ले कर रहा है तो इसका मतलब खेल एक रहा है लेकिन लड़का बहुत सारा बैठा है, और बहुत लड़कों में से है तो लड़कों के लिए बॉयज, और उसमें से एक खेल रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे सिंगुलर, क्योंकि खेल तो एक ही लड़का रहा, प्लेइंग, खेल तो एक लड़का रहा ना। ऐसे हिंदी भी बोलेंगे ना, अरे बहुत सारा लड़का बैठा हुआ था लेकिन खेल एक रहा था, ऐसे बोलेंगे, बहुत सारा लड़का बैठा हुआ था लेकिन खेल एक रहा था, बहुत सारा लड़का बॉयज लेकिन खेल एक रहा था, तो खेल एक रहा था तो प्लेइंग की जगह सिंगुलर हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि खेल तो एक ही रहा। अगर नहीं समझ में आता है कि किसको सिंगुलर किसको प्लूरल, तो इज है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैज है, ठीक। अब बोलिए एम क्यों नहीं लिखे, एम तो आई के साथ आ जाता है तो उसको छोड़ दिया करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो इसमें सिंगुलर कौन है, तो बचपन से पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो आज करना है एस फॉर सिंगुलर, शकरकंद बोले जा रहे थे, एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर,
एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में है वो क्या है सिंगुलर है, और जिसके अंत में एस नहीं है वो प्लूरल है, ठीक, वो क्या है प्लूरल। तो अब समझ में आ गया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। आगे तो हम क्या बोले, अगर हम हिंदी में भी बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लड़का बैठा लो यार, लेकिन खेल तो एक ही रहा था। बहुत सारा लड़का बैठा था लेकिन खेल एक रहा था। लड़का बहुत सारा था बॉयज, खेल एक रहा था, तो प्लेइंग के निकल रहा था एगो, तो यहां फिर तो सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि खेल एक ही रहा था। और ऐसी भी वन ऑफ, अब तो ये कहानी समझ में आ गई कि हिंदी में कैसे बोलते हैं कि बहुत सारा लड़का बैठा था खेल एक रहा था, बहुत सारा लड़का बॉयज, खेल एक रहा था इसलिए यहां सिंगुलर होगा इज प्लेइंग। और नहीं अगर रूल्स है, अगर ये तो हुआ अपना गांव का भाषा में, लेकिन अगर हम समझे रूल्स है तो हम अभी लिखा है कि ईच ऑफ, वन ऑफ और एवरी ऑफ। अगर वन ऑफ सीधे सीधे अगर वन ऑफ आ गया तो आगे आने वाला नाउन हमारा प्लूरल होगा, जो कि मेरा नाउन प्लूरल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। द हमारा क्या है डिटर्मिनर है, द क्या है डिटर्मिनर है, यानी कहने का मतलब आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल तीन होता है ए एन द। अगर आर्टिकल के बाद एक वस्तु है तो वो नाउन है, अगर आर्टिकल के बाद दो वस्तु है तो वो एडजेक्टिव है और नाउन है, अगर आर्टिकल के बाद तीन वस्तु है तो वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो यहां एक ही वस्तु है एडवर्ब डिटरमिनर आर्टिकल के बाद, तो ये क्या हो गया नाउन हो गया। अब यहां हो गया कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, यह सही है, यह सही है। अब बच गया तीसरा और नो एरर, ज्यादा प्रेफर करेंगे कुछ को मार देने का, क्योंकि हम लोग को तो क्वेश्चन में सब सही लगता है, तो एका को मार देते हैं। आगे बोले थे कि नाउन भले प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, सबका सब क्या होगा सिंगुलर। तो यहां वर्ब का प्रयोग है, लिंकिंग वर्ब इसको कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जो भी बोल लिए, ये दो है लिंकिंग और मेन, और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब यहां वर्ब प्रयोग हुआ, अब वर्ब हमारा ये कैसा होना चाहिए था सिंगुलर, क्योंकि लिखा हुआ है कि बाकी सिंगुलर होगा, तो यहां क्या होगा सिंगुलर वर्ब, और आर का सिंगुलर अभी हम लिख के बताए थे इज होता है, वही टेंस में बदलना है, ऐसा नहीं कि वाज कर देंगे, जो टेंस दिया वही पे बदल देना है, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, सभी में से क्या कर रहा है एक लड़का, फिर हिंदी करके देखने कि सभी लड़कों में से एक खेल रहा है, सभी लड़कों में से, तो लड़कों तो बैठा दिए बहुत सारा, खेल तो एक रहा था ना, तो प्लेइंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम बोले फिर से कि ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, देखिए ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम मतलब उन लोगों में से, उसके बाद हैव डन हिज वर्क, उन लोगों में, ईच ऑफ देम हैव डन। अब ईच हमेशा क्या लेता है सिंगुलर, हम तो अभी बताए कि ईच क्या लेता है सिंगुलर लेता है, अब बाकी देम क्या है प्लूरल, आने वाला आगे क्या होना चाहिए सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल, देम तो प्लूरल हुआ, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा सिंगुलर आएगा, और जब सिंगुलर आएगा तो फिर हैव को क्या करना पड़ेगा हैज, यानी कि ईच ऑफ देम हैज डन हिज वर्क, सबको कर, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर आता है, याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, ठीक। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स में से ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास में हैज डन दिस मिसचीफ, मतलब मिसचीफ मतलब गलती होता है, ये गलती किया है, ठीक। ऑफ द के बाद प्लूरल है, प्लूरल है, सही है। उसके बाद आने वाला जितना भी वर्ब होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर है, सही है। उसके बाद डन दिस मिस्टेक, ये गलती की है, इसका मतलब अभी तक तो हमको सब सही लगा, लेकिन इसमें गलती क्या है कि ये जो आइदर है, आइदर होता ना, ये दो में से एक बताता है कि दो में से एक है, लेकिन अगर वन ऑफ लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारा में से बताएगा, अगर वन ऑफ लिखे तो दो से ज्यादा, दो से प्लस में बताएगा। उसी तरह से होता है नाइदर, है ना, नाइदर में भी होता है दो से, तो आइदर और नाइदर दो में लगता है, लेकिन अगर हम जब तीसरा में बात कर रहे हैं कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर बोल रहे हैं, इसका मतलब हम दो में बात कर रहे हैं, क्योंकि आइदर और नाइदर दोनों दो के लिए प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के लिए तो प्रयोग होता नहीं है, दो से ज्यादा के लिए वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहां लिखे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इसका मतलब है कि दो स्टूडेंट का कहीं बात ही नहीं है, बोले तुम्हारे क्लास के बच्चे गलती किए, क्योंकि दो का बात नहीं है तो फिर आइदर तो नहीं होना चाहिए, तो फिर आइदर को हम बदल के क्या करेंगे, इसको वन करेंगे, क्या करेंगे वन। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ, मतलब ये गलती क्यों की है, मिसचीफ मतलब गलतियां। आगे गलती प्रैक्टिकली एवरी हाउस, मतलब अगर व्यवहारिकता रूप से देखा जाए तो प्रत्येक हाउस में, हालांकि प्रैक्टिकली का स्पेलिंग गलत है, आप पी आर ए सी कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक, पी आर ए सी टी आई सी ए डबल आर, प्रैक्टिकली एवरी हाउस, प्रत्येक हाउस में नाउ अब हैज एटलीस्ट टू टेलीविजन, कि लगभग सबके घरों में आज जो है व्यवहारिक रूप से दो टेलीविजन मिलता है। अब ईच और एवरी रहता है तो हमेशा प्रयोग क्या करते हैं सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर, लेकिन वन ऑफ लगेगा तभी प्लूरल का प्रयोग करेंगे, बार बार इस बात को समझिए कि ईच एवरी अगर आया है, केवल छुच्छे खाली ईच एवरी है तो सिंगुलर लगेंगे सब कुछ,
लेकिन अगर इसके बाद वन ऑफ आ जाए, एवरी के बाद वन ऑफ आ जाए, वन के बाद वन ऑफ आ जाए, तब लगाना है हमको प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बार बार समझिए इस बात को कि जब तक वन ऑफ नहीं आएगा तब तक प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे ही ईच एवरी दे दिया खाली तो समझ जाना वो सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे। तो यहां निकला प्रैक्टिकली एवरी हाउस, प्रत्येक हाउस में, यहां वन ऑफ का प्रयोग कहीं है क्या? नहीं है। इसका मतलब जितना आएगा सबका सब सिंगुलर आएगा। तो प्रैक्टिकली एवरी हाउस, प्रत्येक घरों में नाउ हैज क्या? सिंगुलर है। एटलीस्ट टू टेलीविजन, लगभग व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्येक घरों में आज दो टेलीविजन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नो एरर हो गया, क्योंकि इच एवरी के साथ आता है सिंगुलर, लेकिन इच ऑफ और एवरी ऑफ अगर आ जाए तब आगे लगाएंगे प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब जो भी है। अब इच ऑफ आया, अब इच ऑफ आ गया है ना, अभी खाली इच रहता तो सिंगुलर ढूंढते, लेकिन इच ऑफ आ गया तो आगे आने वाला नाउन हमको सबसे पहला चाहिए प्लूरल और वर्ब चाहिए सिंगुलर। तो इच ऑफ अस, ये हमारा जो नाउन प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन है ना अस, तो ईच ऑफ अस, अभी अस क्या प्लूरल है क्योंकि वी का बना है ना, वी से बनता अस, तो वी हम लोग हैं, तो अस को बता रहा है, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। आगे आने वाला वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो वन ईच ऑफ अस, ये तो हो गया प्लूरल, तो यहाँ फिर हैव का क्या होगा? हैज, मतलब ईच ऑफ हैज बाइसिकल, मतलब प्रत्येक के पास क्या है? बाइसिकल है। हैज का स्पेलिंग हम कहते हैं छछार जैसे लिख देते हैं, हैज, तो हैज अ बाइसिकल। ठीक, आगे, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि इच ऑफ अस लिख सकते हैं लेकिन एवरी ऑफ अस नहीं लिख सकते हैं। इच ऑफ अस लिख सकते हैं लेकिन एवरी ऑफ अस नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? एवरी वन ऑफ अस कर सकते हैं। जैसे अभी यहां लिख दिया है ना, इच ऑफ अस लिख दिया है, लेकिन अगर हम कर दें एवरी ऑफ अस, तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इसको गलत कर देगा, फट से मारेगा रॉन्ग, और ये रॉन्ग है। तो क्या करना पड़ेगा? तो एवरी ऑफ अस को करना पड़ेगा एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ईच ऑफ अस होता है लेकिन एवरी ऑफ अस नहीं, एवरी वन ऑफ अस करना पड़ेगा। ठीक, तो ईच ऑफ अस का कहानी हो गया। अब ईच ऑफ द चिल्ड्रन, अब ऑफ द आया ना, तो आगे आने वाला नाउन क्या चाहिए? प्लूरल, लेकिन आगे वर्ब क्या चाहिए? मतलब जो भी आएगा, वर्ब आए चाहे प्रोनाउन, कुछ भी आए, सब सिंगुलर चाहिए। एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल का खेल, जैसे चाइल्ड ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, है ना, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रेन होता है प्लूरल, तो ये हमारा हुआ सिंगुलर और ये हुआ प्लूरल। अब तो समझ में आ गया, बता दिए हैं। तो ईच ऑफ, ऑफ द के बाद आने वाला नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल, तो प्लूरल है। आगे आने वाला वर्ब कैसा चाहिए? तो वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर, तो यहां लिखा हुआ वर, तो यहां क्या होगा? वाज, रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा, फिर से ये आर्टिकल है तो फिर ये नाउन। ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, तो ईच ऑफ द आया, इसलिए हम नाउन प्लूरल को ढूंढे लेकिन वर्ब सिंगुलर को ढूंढे। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो ईच ऑफ चिल्ड्रेन, प्रत्येक चिल्ड्रेन, प्रत्येक का बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक बच्चे का, तो वाज रीडिंग अ बुक। आगे ईच चाइल्ड वाज, फिर ईच ऑफ द चिल्ड्रेन कर दिए, लेकिन अगर एवरी ऑफ द चिल्ड्रेन कर ले गलत हो जाएगा, एवरी ऑफ चिल्ड्रेन नहीं लिख सकते, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन लिख दिए, एवरी ऑफ द चिल्ड्रेन नहीं, एवरी वन ऑफ द चिल्ड्रेन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि एवरी के साथ हमेशा वन लगता है। ईच, ये हो गया ना, ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा। अब हम क्या बोले कि इच एवरी जब आता है तो इसके बाद क्या आता है? सिंगुलर आता है, लेकिन जब तक ऑफ नहीं लगेगा प्लूरल नहीं आएगा। तो इसमें ऑफ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सब सिंगुलर होगा, क्योंकि हम बोले कि जब तक ऑफ नहीं आएगा तब तक प्लूरल बना नहीं, तो यहां तो है ही नहीं, इसका मतलब सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो इच चाइल्ड वॉज रीडिंग अ बुक। तो अब हमको क्या चाहिए? सब सिंगुलर चाहिए, इच प्रत्येक सही है सिंगुलर है, चाइल्ड अभी बताया कि चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है, सही है, वाज एस फॉर सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर है, रीडिंग पढ़ रहा था अब एक किताब। ठीक, तो ये था पूरा इच और एवरी का कहानी। हम बार बार यही कॉन्सेप्ट बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इच और एवरी के बाद जब ऑफ आएगा तभी हम आगे नाउन प्लूरल देंगे और वर्ब सिंगुलर देंगे, लेकिन केवल इच आया, केवल एवरी आया, तो हमेशा याद रखेगा ये हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ भी इच एवरी एवरीथिंग ये सब सब। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।